मैं इसको लेके जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम नेल एक्सटेंशन कर रही हूँ। पैसे पैसे यही देगी। क्या कहा मैंने तो कभी खाया नहीं जैसे है तो लड़की है मैं आज पहली बार ही मेरा अन्न पूजन हो रहा है, आज मैं पहली बार खाना खा रही हूँ। अभी घर से हवा पी के आई, राज की चोड़ी खाएगी। यार मेरी इतनी सारी मिठाइयाँ देख के कभी भी नेल एक्सटेंशन नहीं कराया है, सो दीज आर माई ओरिजिनल नेल्स, सो आई एम सो एक्साइटेड। आरती इज हियर बिहाइंड द कैमरा एंड वो मुझे सजेस्ट करने वाली है कि कौन सा नेल कराना चाहिए एंड कौन सा नहीं, एंड आई एम क्वाइट यू नो स्केयर्ड एज वेल, क्योंकि मैंने बहुत लोग का बैड एक्सपीरियंस सुना है कि दर्द होता है, खून आ जाता है, नेल्स टूट जाते हैं, तो थोड़ा डर भी लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। सो दिस इज हाउ माई ओरिजिनल नेल्स लुक लाइक। मेरा नेल बेड थोड़ा लॉन्ग वाला है, शॉर्ट वाले नेल्स नहीं है मेरे। एंड जो प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपके क्यूटिकल्स को, मतलब जो व्हाइट वाली स्किन होती है आपके नेल्स के आसपास, उसको पुश करके अंदर करते हैं ताकि आपका नेल बेड अच्छे से दिखे एंड उसके ऊपर वो ग्लू वगैरह लगा सके। तो पहले वो क्यूटिकल पुशर से पुश करते हैं, देन दे स्टार्ट फाइलिंग। फाइलिंग से क्या होता है, आपकी नेल पेंट जो लगी होती है वो तो रिमूव हो ही जाती है, प्लस आपके नेल्स का जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है ना, जो स्लिपरी लेयर होता है, वो भी रिमूव हो जाता है। वही दिखाई देता है इन भैया को देख के। कहीं वही तो नहीं है, साइड साइड काम कर रहे हैं। सो फाइलिंग के बाद वो आपके नेल्स को कट करते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है, एंड काफी दबा दबा के कट करते हैं, तो आप थोड़ा रेडी रहना। एंड उसके बाद भी उसको फाइल करके एकदम शेप देते हैं। आप देख सकते हो मेरे दोनों हाथ के नेल को फाइल किया गया एंड देन कट किया गया है। ये रोड पे मिली थी मुझे, रोड पे डालूंगी। तो फाइलिंग एंड कटिंग के बाद प्रोसेस आता है आपकी नेल्स की साइज को चेक करने का, तो वो चेक करके उस साइज का नेल निकालते हैं एक बॉक्स में से, एंड डिफरेंट डिफरेंट नेल्स होते हैं क्योंकि हमारे सारे नेल्स ऑब्वियसली बराबर नहीं है, तो वो फेक नेल्स निकालते हैं, उस पर ग्लू लगाते हैं, आपके हाफ नेल पे उसको चिपकाते हैं। मुझे भी ये चीज पता नहीं थी कि हाफ पे चिपकाया जाता है, मुझे लगता था कि पूरा ही नेल फेक होता है, बट नहीं, पहले हाफ हाफ पे वो चिपकाते हैं एंड देन उसके ऊपर कुछ तो पाउडर लगाते हैं, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। बाय द वे गाइस, मैं आपको वीडियो में कम्प्लीटली अच्छे से समझा दूंगी कैसे नेल एक्सटेंशन का प्रोसेस होता है एंड क्या क्या चार्जेस होते हैं। मैंने रजौरी गार्डन से कराया था, बट मैं प्राइसेस वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी एंड स्क्रीन पे भी आपको बता दूंगी। गाइस मैं अगर दूर भी रहूंगी तो इसको ऐसे ही बुला सकती हूँ, फायदा है इसका। जब आपके फेक नेल्स अच्छे से सेट हो जाते हैं तब उनको कट करने का प्रोसेस आता है, एंड यहाँ पे आपको बताना होता है कि आपको कितनी लेंथ रखनी है। एज अ बिगनर वो सजेस्ट करते हैं कि आप शॉर्ट लेंथ रखो ताकि आप अच्छे से अपने काम कर पाओ, बट सिंस इट वाज माय फर्स्ट टाइम एंड आई वांटेड टू हैव समथिंग एक्स्ट्रा, तो इसीलिए मैंने थोड़े लंबे ही रखे, मतलब मीडियम साइज आप बोल सकते हो। एंड देन उनको कट करने के बाद उन्हें भी फाइल करते हैं बहुत अच्छे से ताकि वो आपके नेचुरल नेल्स के साथ ब्लेंड हो जाए, बट आगे एक प्रोसेस है जिसकी वजह से ही ये इतना सुंदर लगता है। सो ऑनेस्टली इतना ही प्रोसेस खत्म होने के बाद मुझे अपने नेल्स काफी अच्छे लग रहे थे, हाँ फील आ रहा था कि मैं नेल एक्सटेंशन करवा रही हूँ। सो यही है वो पाउडर जिसके बारे में बात कर रही थी, एंड गाइज आई एम सो सॉरी, ये डॉगी पागल हो गया है, मैं जब से वॉइस ओवर करने बैठी हूँ ये इतना भौंक रहा है कि मैं क्या बताऊँ। सो इस पाउडर के हेल्प से ही वो राउंड वाला शेप या बोल सकते हो जो एक टेक्सचर क्रिएट होता है नेल्स में ना, वो उठा उठा वो इसी पाउडर के थ्रू होता है। आई थिंक इसको एक्रेलिक पाउडर बोलते हैं, एंड इसको ऐसे टोन में डिप करके आपके नेल्स के ऊपर लगाते हैं, एंड ओ माई गॉड, इसको लगाने के बाद जब इसको फिनिशिंग दिया जाता है आपके नेल्स इतने ज्यादा सुंदर लगते हैं कि मैं क्या बताऊं। सो
सो जैसे ही नेल एक्सटेंशन का पूरा प्रोसेस खत्म होता है, नेल पेंट लगाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एंड ये नॉर्मल वाली नेल पेंट नहीं होती है, इसको परमानेंट नेल पॉलिश बोलते हैं। एंड ये चिप ऑफ नहीं होती है, तो काफी सही रहता है। लाइक 25 डेज तक आपके नेल्स वैसे टिकी रहेगी। एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल माय नेल्स लुक लाइक। मैंने ये वाला डिजाइन चूज किया था जो कि आप मोबाइल फोन में देख सकते हो, एंड इट टर्न्ड आउट एग्जैक्टली सेम, पूरा बिल्कुल डिट्टो वो बनाया गया था। एंड आई वाज सो हैप्पी विद द सर्विस, माय नेल्स, मतलब फर्स्ट टाइम कराया था, बहुत ही नॉर्मल मिनिमल सा नेल था, बट उसके ऊपर नेल आर्ट्स भी थे, लाइक लीफ वगैरह, मार्बल प्रिंट था, एक नेल पे पूरा ग्लिटर था। तो ओवरऑल मुझे अपना नेल बहुत ज्यादा सुंदर लगा, आई वॉज ऑब्सेस्ड विद इट, आई जस्ट लव देम। नेल एक्सटेंशन के बाद हम एक ज्वेलरी शॉप में गए, एंड गेस व्हाट, हमने डायमंड की शॉपिंग कर ली बैठे बैठे। इसके पैसे आरती देगी गाइस, तो वो अंदर का शायद पूरी ठीक हो गया, चलो हो गई तेरी, अच्छा लग रहा है। तो वी बॉट अ डायमंड नोज पिन, आप देख सकते हो यहाँ लैपटॉप पे आपको उसका पिक्चर दिख रहा होगा। एंड दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आई विल मीट यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो सुपर सुपर सून। थैंक यू।